तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसका यूज करके आप बैटल स्टार्स गेम के अंदर एक प्रो प्लेयर बन सकते हैं। अगर आप ओपोनेंट वाले बंदे से मर जाते हैं वन वर्सेस वन की फाइट में, आप सही से सामने वाले बंदे को नहीं मार पाते हैं, तो आज का ये वाला वीडियो आप पूरा जरूर से देखना। मैं गारंटी लेता हूँ आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा इम्प्रूव जरूर से होगा। तो चलिए आज की इस वाले वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट सेटिंग यहाँ पर होने वाला है कस्टम एचयूडी के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक गेम के अंदर कस्टम एचयूडी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो अगर आपके पास एक अच्छा सा कस्टम एचयूडी नहीं है तो आपका गेम प्ले के ऊपर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा कस्टम एचयूडी रखना है। यहाँ पर राइट साइड में आपको एक सेटिंग ऑप्शन दिख रहा होगा, उस सेटिंग वाले ऑप्शन पर सबसे पहले तो हम लोग को क्लिक करना है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग ऊपर में के साइड में देख सकते हो जनरल लैंग्वेज अकाउंट सपोर्ट एंड प्राइवेसी, इन सब ऑप्शन से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। एंड इन सब ऑप्शन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला गेम प्ले पर। उसके नीचे में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑटो एम, ड्रैग एंड होल्ड कंट्रोल, एम विजन एंड एम सेंसिटिविटी। ये जो एम सेंसिटिविटी है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके गेम प्ले के ऊपर। ये एम सेंसिटिविटी के ऊपर हम लोग जो है थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कस्टम एचयूडी के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को एम कंट्रोल्स के हल्का सा राइट साइड में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एडिट कंट्रोल का ऑप्शन, उस एडिट कंट्रोल वाले ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो है आप लोग अपना कस्टम एचयूडी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो अपने कस्टम एचयूडी को चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारे बैटल स्टार्स गेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बटन यहाँ पर दो चीज होता है। सबसे पहले तो जॉयस्टिक, जिसका यूज करके हम लोग अपने हीरो को आगे पीछे राइट लेफ्ट हम लोग मूव करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में जो हम लोग को एक दिख रहा है बटन, उसका यूज करके जो हम लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हैं। तो ये जो दो बटन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल स्टार्स के अंदर। तो ये जो लेफ्ट साइड में है वो जॉयस्टिक का बटन है, एंड ये जो राइट साइड में है वो फायर करने वाला बटन है। तो ये दोनों को जो है आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, आप लोग को जो भी सबसे ज्यादा सही लगे। मैं तो आपको यही प्रीफर करूंगा कि ये जो जॉयस्टिक का बटन है लेफ्ट साइड वाला, इसको आप लोग सबसे ज्यादा एकदम मिनिमम में एकदम मिनिमम साइज करके रखा करो, क्योंकि जितना ज्यादा जॉयस्टिक का बटन छोटा रहेगा ना, उतना जल्दी आपका जो हीरो है वो जल्द से जल्द जो है मूव करेगा। एंड इसके राइट साइड में आपको जो फायर का बटन दिख रहा है वो अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो भी सुइटेबल लगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कस्टम एचयूडी को हम लोग को कैसे करके चेंज करना है। एंड आप लोग जो अपने हिसाब से अपने कस्टम एचयूडी को चेंज कर लेना जिसमें आप लोग को ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर फील हो। तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स के ऊपर। तो आज का हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट सेटिंग होने वाला है एम सेंसिटिविटी के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस बैटल स्टार्स गेम के अंदर जब कभी भी हम लोग ओपोनेंट वाले बंदे के ऊपर फायर करते हैं, तो कभी कभार जो हमारा एम जो है वो सही से स्टक नहीं हो पाता है, सही से नहीं चिपक पाता है बंदे के ऊपर। तो उस चीज के लिए जो यहाँ पर हम लोग एम सेंसिटिविटी का यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो बुलेट है वो ज्यादा से ज्यादा एनिमी के ऊपर चिपके एंड ज्यादा से ज्यादा जो है सामने वाले बंदे को डैमेज पड़े। तो इस एम सेंसिटिविटी के अंदर आपको यहाँ पर टोटल 5 से लेकर के जो आप लोग 15 तक यहाँ पर एम सेंसिटिविटी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। तो बात कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट यहाँ पर कौन सा होगा 5 से लेकर के 15 के बीच में। आप लोग जो है अपना एम सेंसिटिविटी को 5 से लेकर के 10 के बीच में ही रखना, क्योंकि अगर आप लोग 10 से ज्यादा करोगे ना तो यहाँ पर आप लोग एक दिक्कत देखने को मिलेगी। तो गेम के अंदर आप लोग जब फायर करोगे ना, जैसे एक एनिमी के ऊपर आपने फायर किया, सामने वाले एनिमी को आपने बहुत ज्यादा डैमेज दिया, अगर एक और एनिमी आ गया उसके बगल से, तो आपका एम जो है पहले एनिमी को छोड़ करके दूसरे एनिमी के ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए जो आप लोग अपना एम सेंसिटिविटी को यहाँ पर पूरा मैक्स करके मत रखना। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एम सेंसिटिविटी को 5 से लेकर के 10 के बीच में ही रखना। तो गाइज आई होप कि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोग को यहाँ पर क्या क्या चीजें चेंज करना है, जिसके थ्रू हम लोग का जो बैटल स्टार्स गेम है उसके अंदर हम लोग का गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये दोनों सेटिंग्स जो आज मैंने आपको बताई है, वो दोनों सेटिंग्स आप लोग चेंज करके एक बार देखना, आपका सही में गेम प्ले यहाँ पर जरूर से इंप्रूव होगा। कस्टम एचयूडी आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, एंड सेकंड एम सेंसिटिविटी आप लोग हमेशा 5 से लेकर के 10 के बीच में ही रखना, उससे ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर आपका जो गेम प्ले है वो इसमें काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि आज का ये वाला वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप ऐसे ही टाइप के अच्छे अच्छे से गेमिंग वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।